हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी दिवस पर निबंध, एसे ऑन हिंदी दिवस इन हिंदी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज की युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा के महत्व को समझाने और इसके प्रति जागरूक करने के लिए इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा हम सभी हिंदुस्तानियों की पहचान है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी एक बेहद सरल और सुगम भाषा है जिसके माध्यम से आसानी से संवाद किया जा सकता है, इसलिए इस भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा जाता है। वहीं यह हमारी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक भी मानी जाती है। हिंदी दुनिया की सबसे समृद्ध प्राचीन और सरल भाषा है, साथ ही दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी भारतीय संस्कारों और संस्कृति का अनूठा प्रतिबिंब है। इसके साथ ही हम सभी हिंदुस्तानियों के सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है जिसने विश्व में भारतीयों को एक नई पहचान दिलवाई है। वही यह भाषा के महत्व को आज की युवा पीढ़ी को बताने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन साल 1949 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए तब से लेकर आज तक इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हिंदी के महत्व को समझने के लिए और इस भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदी की सहजता और सुगमता के चलते इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि न सिर्फ यह आसानी से समझ में आ जाता है बल्कि इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि सभी भाषाओं का समावेश है, अर्थात यह भाषा अन्य भाषाओं को अपने साथ लेकर चलती है, साथ ही लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी करती है। इस भाषा से भारतीयों का अलग तरह का जुड़ाव है। यह भाषा भारत की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक भी मानी जाती है। हिंदी भाषा सभी भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए देश में हर स्कूल कॉलेज में हिंदी भाषा अनिवार्य रूप में पढ़ाई जाती है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इस भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने एवं लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन साल 1949 में हिंदी भाषा को राज्यभाषा का दर्जा मिला था। इस दिन भारत की संवैधानिक सभा में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा गया और यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी की खड़ी भाषा ही देश की राजभाषा होगी। 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को अंग्रेजी के साथ भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। तब से लेकर आज तक इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, उस दौरान हमारे विभिन्नताओं वाले देश भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी। ऐसे में देश की राष्ट्रभाषा चुनना उस वक्त का सबसे गंभीर और अहम मुद्दों में से एक था। इसके बाद काफी विचार विमर्श करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नई राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। इसके साथ ही भारतीय गणराज्य की संवैधानिक सभा में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। वहीं 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलने के कारण इसके महत्व को समझते हुए सर्वप्रथम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हमारे देश में सम्मानजनक रूप से मनाया जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसके बाद से हिंदी
हिंदी अपनी सहजता और सरलता के कारण जनमानस की प्रमुख भाषा बन गई और इसकी उपयोगिता एवं महत्व बढ़ता चलता गया। वहीं देश के करीब 75% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। वहीं हिंदी भाषा उनके कामकाज की भी प्रमुख भाषा है। वहीं अब हिंदी भाषा न सिर्फ हम सभी हिंदुस्तानियों के पहचान है, बल्कि हमारे देश का मान और अभिमान भी है। सभी भारतीय गर्व के साथ इस भाषा को बोलते हैं। हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है? हमारे देश में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में बेहद हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेजों आदि में हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही इस मौके पर अपनी राष्ट्रभाषा के महत्व को बताया जाता है। हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी निबंध, कविता, कहानी, लेखन समेत तमाम तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, ताकि आज की युवा पीढ़ी हिंदी के महत्व को समझ सके और अपनी राष्ट्रभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। इसके साथ ही हिंदी दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले महान निबंधकार, साहित्यकार, लेखन आदि को पुरस्कृत भी किया जाता है। उपसहार। अंग्रेजी की बढ़ती ज़रूरत के चलते आज की युवा पीढ़ी हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा की तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी भाषा को अपना स्टेटस सिंबल मनाने लगी है एवं हिंदी बोलना अपना अपमान समझने लगी है। किसी संस्थान, बड़ी कंपनी, होटल, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में हिंदी बिल्कुल ना मात्र के लिए बोली जा रही है, जिसके चलते लोगों का ध्यान हिंदी से हटता जा रहा है। लेकिन हम सभी भारतीयों का दायित्व है कि हम सभी अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें और इसे बोलने में हिचकिचाएं नहीं, बल्कि गर्व महसूस करें। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी, एकता की जान है हिंदी, देश की शान है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ टू केयर स्मार्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।